नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 24। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ फांद कर खर्च करो, 250 तो लग ही जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेटा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन घर न मिल सकता था। पिछले चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दिन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था, 200 रुपये भी हाथ आ जाए तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू शाह दोनों ही अब कुछ नरम पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपये मारे न पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूं। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता तो तू ही अकेली रहती, तब तो क्या करती, वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला ना था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल भी था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300-300 बाराती द्वार पर आए थे, दहेज भी अच्छा दिया था, नाच तमाशा गाजा बाजा हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है, 10 गांव के आदमियों से उसका अच्छा हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह कैसे मुंह दिखाएगा, इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे, पेड़ पालो हैं, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए, लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है, अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैस वैस में गुजरे, होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और जबकि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो 1 पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते,
भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संजोग था कि जिस वक़्त वे निकलते उसी वक़्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों यह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊंक सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी, होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपये दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपये न आते हो। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह भी पर उसके 20 रुपये आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपये लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपया न दोगी मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झुंगरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है, यह निकल गई तो जाऊँगा कहाँ। एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊँ कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूँ। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूं। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी तेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं चाहता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सबर कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेत बारी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी, कुछ नहीं है मर जात तो है। फिर कनफुसियों में बोली, पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है, तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह साड़ी हो गए गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छुट्टे साँड़ है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस तारना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 25 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परच जाती है तो भी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बनके। तुम्हें बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम ऐसे कोई बाके जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ पहुंचा और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ न देगा, लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती है। मैं तो बिहाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती,
उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना आसान हो कर दे, उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए, तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता, सच तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना, 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया सोते ना बोलोगे? नहीं, कहो कसम खाऊं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए, भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींच कर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं, कहते हैं इस गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं, तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते, बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए हैं, मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे, वहां एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है, जब धर्म नष्ट हो गया तो एक नहीं हजार प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है, तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई ना पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहां से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था, जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए, वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खा कर बैठो, गपड़ चौथ करने की तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सलाहगन में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो, रुपए पैसे का डॉल भी हुआ कि मन की मिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती, तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था, पहले यह बता दो, रुपये मिल गए। हाँ मिल गए, और नहीं क्या भंग खाई है, तो पहले चलकर खा लो फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोर कर बोली, उससे रुपये लेकर आज तक कोई उरिन हुआ है, चुड़ैल कितना कस कर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन, यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हंसने बोलने गया था, बूढ़े हो गए पर यह बात न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है, मेरे जैसे फटेयाल से वह हंसेगी बोलेगी, सीधे मुंह बात तक को करती नहीं, तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन, उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसने जरा सी हामी भर दी तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी,
जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करे? सोना के सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्ज लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे? बता, पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा, जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे, झुनिया को ले आए, उन्हें किसने के पैसे दहेज में दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था वह मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ, अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है? डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है? उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लादती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके लीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे? घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे, यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे, दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अकल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अकल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है कि मैं पागल हूं? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और ले, जो कुछ खेती बारी है सब लीलाम तिलाम हो जाए, और द्वार द्वार भीख मांगते फिरे, यही ना? इससे तो यही अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते लाज आएगी, तू ही मेरा यह संदेशा कह देना। देख क्या जवाब देते हैं, कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है, कभी कभी डोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा, हाँ यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना, ब्राह्मण लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बुढ़ा रुपये नहीं खर्च करना चाहता, इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले, लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कर लगाता है। तो इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह,
वह तेरा अपमान तो ना करेगा? हाय रे, क्यों नहीं, पीछे उस बेचारे को इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वह मत ही है। जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था, और ब्राह्मण भी हो जाए, ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी। अभी जान मर्जात के मुंह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौरा आएगा। आ चुका अब, तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए, तो उसे बुलाने ही कौन जाता है। अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है, वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातः काल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता ना था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है ना जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ, कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? हमारे घर रहती नहीं है, उसके पीछे सारा गांव में बदनामी नहीं हो रहे हैं? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 25 रुपया महीना। पूर चलने लगा, धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा कुआरी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखें से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी, उन लोगों को रुपये मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे? जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं, और गौरी महतो को तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर, तू जैसे पुरुष के साथ मेरा निवाह ना होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनकी चरण धो धोकर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी, और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक सचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ आई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, न आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया, अभागे नहीं माने शायद, नहीं सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो, सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर न जाकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी, होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक तो क्या जवाब देंगे। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पूर छूटते ही वह भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तुम मर गई क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गईं। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर डोर चराने गए थे, खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ, मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिलो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल लग गई,
लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका तो न सुने, सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण डोरो की वहां छोर मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के चार पूड़ चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूं या ना लूं, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूंगा कर लूंगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पन्हैया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतना मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते। मगर बेचारा 500 जूते खाकर भी कुछ न बोला, आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी, मुझे उनकी क्या डर था। मैंने साफ कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक ना जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे और धन सब नाच तमाशे ही उड़ जाएंगे। हाँ, ऐसी बहू ना पाओगे। सोना ने सजल आंखों से पूछा, महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी, ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संजम न रह सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी, महतो ने कहा आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है, हाँ किसी का खुल गया किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन के से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकड़े पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चले, सोना के सिर पर चरसा रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे उसे अपने हृदय में बैठा कर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली आ रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ यह पत्र भेजा, स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया, समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरवार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं जो कुछ मोटा महीन जुड़े बारातियों को खिला देना, हम वह भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है, आज तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया, हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जात का निवाह करना है, संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जात नहीं छोड़ा जाता, जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो, माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है। नहीं लिखना क्या है, चलो मैं नाई से संदेशा कहलाए देती हूँ। होरी हतबुद्धि सा आंगन में खड़ा था
और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता से जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया, तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में न आया। तू आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का नाम नहीं है। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जात का राग छेड़ दिया, तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीरा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं। तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वह भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकूर कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखे कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमका कर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूंगा, ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर जाकर चिलम पीने लगा, कितने मजे से गला छूट जाता था। लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो, जब देखो उल्टी ही चलती है, इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान, पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 24। धन्यवाद।